के ख्वाब देखती ये 5 साल उम्मे हबीबा है। वाए तो लिखा ही नहीं। लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसका ये ख्वाब पूरा भी हो सकेगा या नहीं। कस्बा कॉलोनी की रिहायशी साजदा के घर शादी के 1 साल बाद उम्मे हबीबा की सूरत में नन्नी कली खिली, लेकिन ये कली फूल बनने से कबल ही मुरझा गई। 9 माह की उम्र में आंख में होने वाले ट्यूमर ने इसकी एक आंख को ही नाकारा बना दिया। जहर न फैले इसलिए डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उसकी आँख ही निकाल दी। मुझे ही आँख निकाल के मेरे हाथ में रखी थी, शॉपर में डाल के बाकायदा दिख रही थी वो, तो बस मेरी हालत उस वक्त ऐसी थी, मैं बता नहीं सकती। वालदैन ने बेटे की ये तकलीफ तो किसी तरह बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब दूसरी आंख में भी ट्यूमर बढ़ना शुरू हो गया है। यौमिया उजरत पर काम करने वाले इमरान को डॉक्टर ने उम्मे हबीबा को हर माह अस्पताल लाने और ट्यूमर के फैलाव को रोकने के लिए लेजर को ही इलाज बताया है। इलाज तो इसका परमानेंट यही है कि 1-1.5 महीने बाद चेकअप होता रहेगा, और अल्लाह ना करे जैसे एक्टिव वगैरह हो जाता ना, फिर इसको फौरन लेजर करना पड़ेगा। अल्लाह ताला मेरा सबब कर दे मेरे शोहर का, कि ना मैं खुद अपनी बच्ची का ना अच्छे से अच्छा इलाज कराऊँ, उसकी हर फरमाइश पूरी करूँ, ये जो भी कहे मैं वो पूरी कर सकूँ। हसास उम्मे हबीबा के लिए लोगों का सामना करना किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं होता। स्कूल में साथी तो घर में रिश्तेदारों की सवालिया निगाहें उसे सहमा देती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक हबीबा की आंख में अब बिनाई तो लौट नहीं सकती, लेकिन मस्नूई आंख के जरिए उसकी जाहिरी कमी को दूर किया जा सकता है। लेकिन वालदैन के लिए उम्मे हबीबा की दूसरी आंख के इलाज के साथ मस्नूई आंख के अखराजात बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है। कैमरामैन मंजूर हुसैन के साथ समरीन मंसूरी, दुनिया न्यूज़ कराची।